हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सीमा पर गिरफ्तार हुआ चीनी सैनिक अभी भी है इंडियन अथॉरिटीज की हिरासत में। इंडियन आर्मी की कार्बन वाले डील को हासिल करने के लिए कैरेगल कंपनी कर रही है पूरी कोशिश। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलियन नेवी के पार्टिसिपेशन वाली घोषणा के बाद अब चीन का भी आया है एक नया बयान। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हमला करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो उसे मिलेगा बिल्कुल बराबर का जवाब। और रशिया ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फ्रीज करने का रखा प्रस्ताव। अभी हाल ही में यूए के एम्बेसडर टू इंडिया डॉक्टर अहमद अब्दुल रहमान की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ टेलीफोन पर एक बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन को बढ़ाने और साथ ही जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के लिए नई पार्टनरशिप के अवसरों पर भी बात की गई है। और जैसे कि कैरेगल कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इंडियन आर्मी की कार्बाइंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत अपनी कार्बाइंस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। और कैरेगल जिस इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर को स्थापित करेगी उस जॉइंट वेंचर में कैरेगल की तरफ से 49% का निवेश किया जाएगा। बाकी यूएई की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें इंडियन आर्मी के कार्बाइंस वाली डील मिल जाए। बाकी इसके अलावा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से डीआरडीओ प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 को जारी किया गया है और इस प्रोक्योरमेंट मैनुअल के नए वर्जन में डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के कई सारे प्रावधान किए गए हैं जिनमें स्टार्टअप्स और एमएसएमईज भी शामिल हैं। कल सोमवार को भारत की तरफ से मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलियन नेवी के पार्टिसिपेशन की घोषणा की गई थी और अब इसी घोषणा के बाद आज मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनका ये कहना है कि चाइना ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलियन नेवी के पार्टिसिपेशन वाले डेवलपमेंट को नोट किया है। और उनके मुताबिक चाइना का ये मानना है कि देशों के बीच जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के अनुकूल होना चाहिए। खैर बाहर से चीन कुछ भी कहे लेकिन हर कोई जानता है कि अंदर ही अंदर चीन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि क्वाड कंट्रीज के मेंबर्स एक साथ इंडो पैसिफिक रीजन में मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने वाले हैं। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महीने के अंत में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग मीटिंग आयोजित की जाएगी और इस मीटिंग में भारत और अमेरिका के बीच जियो स्पेशल कोऑपरेशन के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा और जिसके साइन होने के बाद दोनों देश एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस भी शेयर कर सकेंगे। यानी कि अगर भारत को लॉन्ग रेंज नेविगेशन और मिसाइल टारगेटिंग के लिए अमेरिका के एडवांस सैटेलाइट और टोपोग्राफिकल डेटा की जरूरत पड़ती है तो इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद अमेरिका वो डेटा भारत के साथ शेयर कर सकेगा। और इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर अमेरिका को भारत से चाहिए होगी तो भारत भी अमेरिका को दे सकेगा। और इस बात से खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एग्रीमेंट कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक सोल्जर भटक कर LAC क्रॉस करके भारत की तरफ आ गया था, फिर जिसे इंडियन आर्मी सोल्जर्स द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन हम यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहेंगे। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनसे ये मालूम पड़ा है कि कल जो चाइनीज सैनिक को गिरफ्तार किया गया था वो एक याक की तलाश में LAC क्रॉस करके भारत की तरफ आ गया था और फिलहाल अभी वो चीनी सैनिक इंडियन अथॉरिटीज के पास ही है। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बता दिया गया है कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद ही एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स के माध्यम से उस सोल्जर को चाइना को लौटा दिया जाएगा। और कुछ सोर्सेज का कहना है कि फिलहाल अभी इस मामले की जांच भी चल रही है क्योंकि जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तब उस समय भी चीन की तरफ से एक या दो सैनिकों की रैकी यूनिट इंडियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। शायद इसी चीज को ध्यान में रखकर अभी सारी चीजों की अच्छी तरीके से जांच की जा रही है, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद ही उस चीनी सैनिक को सौंपा जाएगा। बाकी इसके अलावा अभी हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी और ऑपरेशन प्रिपेयरनेस की समीक्षा करने के लिए अम्बाला में स्थित खड़गा कोर को विजिट किया था और इसी दौरान इंडियन आर्मी चीफ ने इंडियन एयरफोर्स के अम्बाला एयरबेस को भी विजिट किया है और इसके साथ उन्होंने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के आपसी तालमेल की सराहना भी की है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ भी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं और आज जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक इस विजिट के दौरान इंडियन आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने US आर्मी की 25th इन्फेंट्री डिवीजन लाइटनिंग अकेडमी को विजिट किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की ISI ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में कुछ छोटे बॉम्बिंग अटैक्स करने की योजना बना रही है और ये उसी तरह की टैक्टिक है जिसका इस्तेमाल ISIS भी करती है। और इसी को ध्यान में रखकर भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी को
हर एक छोटी फ्लाइंग मशीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। खैर ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करता है और वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत के सिक्योरिटी कैंप्स और अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो उसे उसका बिल्कुल बराबर का जवाब दिया जाएगा, फिर चाहे वो ड्रोन्स की मदद से हो या बिना ड्रोन्स के। और रिपोर्ट्स ये है कि पाकिस्तान की ISI इस तरह के ड्रोन अटैक के लिए आतंकी संगठनों को ट्रेन भी कर रही है और उन्हें ये सिखा रही है कि आखिर कैसे 5 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव कैरी करने वाले क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल वे कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के सोफियन में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जिनसे एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद हुई है। और इसी तरह का एक और जॉइंट ऑपरेशन पुलवामा में भी लॉन्च किया गया है और जिसमें अभी तक 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और उनसे 3 AK-47 भी बरामद हुई है। लेकिन इसके साथ एक दुखद खबर यह है कि कल अनंतनाग में कुछ अनआइडेंटिफाइड आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट पर उनके निवास के पास उन पर फायरिंग की थी, जिसमें वे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। हालांकि इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ज्यादा बुरी तरीके से घायल होने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका और अंत में वे वीर गति को प्राप्त हुए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वीर योद्धा की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भी नहीं भूलेगा। अमेरिका के साथ अपने न्यूक्लियर पैक्ट को एक्सटेंड करने के तहत आज मंगलवार को रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फ्रीज करने के लिए तैयार है, लेकिन तब जब अमेरिका भी बिल्कुल ऐसा ही करे। और रशिया का कहना है कि वो न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट को 1 साल बढ़ाने की पेशकश करता है और इस समय के लिए दोनों पक्षों के न्यूक्लियर वॉर को रोकने के लिए अमेरिका के साथ एक राजनीतिक प्रतिबद्धता अपनाने के लिए तैयार है। बता दें कि इस साल फरवरी में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट को एक्सटेंड करने का प्रस्ताव दिया गया था जो फरवरी 2021 में समाप्त होने वाला है, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को एक नॉन स्टार्टर कहा था जब तक कि न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या पर कोई रोक नहीं होती है। लेकिन आज जो रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री से बयान आया है उससे तो ये मालूम पड़ता है कि रशिया ने इस न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट को 1 साल के लिए एक्सटेंड करने का प्रस्ताव दिया है और वो इस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल कमिटमेंट के तहत अमेरिका के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फ्रीज करने के लिए तैयार है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।